नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। तो अगर आपको इंतज़ार था हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट्स का, तो आज हम वीकली अपडेट्स आपके लिए लेकर आ गए। आज हम जानेंगे कौन सी वैकेंसी जो वर्तमान में अभी भरी जा रही है, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। थर्ड वीक के अपडेट्स दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की, प्लस अदर स्टेट में जो PSC की नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट जारी हुई है उस पर हम आपको जानकारी देंगे। सरकारी नौकरी के अपडेट्स देने वाले हैं सेंट्रल और स्टेट के बारे में। शुरू करते इस वीडियो को, तो पहली नोटिफिकेशन है लोक सेवा आयोग शिमला के द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था, जिसके माध्यम से आपके पद भरे जाने, पदों की संख्या है 64, 64 पदों पर निकली भर्ती है। असिस्टेंट कंट्रोलर लॉ ऑफिस अन्य पद, तो ये पद जो आपके भरे जा रहे हैं आपके HPPSC में। अब बहुत से लोग वेबसाइट पूछेंगे, तो वेबसाइट हम आपको बता रहे हैं hppsc.hp.gov.in। ये वेबसाइट है, एडवर्टाइजमेंट में जाकर आप विज्ञापन देख सकते हैं, और उसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करिए आप hppsc/login आप या रजिस्ट्रेशन पहली बार आप करोगे तो रजिस्ट्रेशन करेगा, उसके बाद इन पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएट आप इन वैकेंसी के लिए होने चाहिए, तो 64 पद जो आपके भरे जाएंगे। लास्ट तारीख की बात करें तो 30 अगस्त 2019, तो इसकी लास्ट तारीख है, तब तक अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12 दिन अभी और है आपके पास, तो 12 दिन से पहले पहले आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो लास्ट वीक होगा अगस्त 2019 का, उसमें हम आपको अपडेट्स दे देंगे हिमाचल प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की। और अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद लोक सेवा आयोग शिमला में ही HPPSC में ही 54 पदों पर निकली आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। योग्यता ग्रेजुएट MBBS ये डॉक्टर्स की वैकेंसी इसमें होगी। मेडिकल डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी है। लोक सेवा आयोग HPPSC के थ्रू ये वैकेंसी आपकी भरी जा रही है। 26 अगस्त 2019 इसकी लास्ट डेट है। ग्रेजुएशन आपने की है, पूरी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी hppsc.hp.gov.in, ये वेबसाइट है। अंतिम तिथि आपकी 26 अगस्त 2019। ग्रेजुएट एनी ग्रेजुएट इसमें मांगे हुए, तो आप एडवर्टाइजमेंट को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई इसके लिए करना। तो 26 अगस्त 2019 इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद जो टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती है उसकी जानकारी हमने आपको कल दी है, तो टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती के अपडेट्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप उसको ओपन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती है, अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स में हम आपको कल टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती के बारे में जानकारी दे चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखी है कि भर्ती कब होने वाले, स्टेट वाइज हमने आपको ऑल इंडिया के बारे में अपडेट्स दी हुई है, उनको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो NHPC के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, एक विज्ञापन जारी किया गया, और 30 पदों के लिए आवेदन आपके मांगे। पद का नाम है अप्रेंटिस ट्रेनी के, ये पद आपके भरे जाएंगे। अलग अलग ट्रेड इसमें होगी, 10th पास है आप, ITI आपने की है, +2 पास ITI आपने की है, इन पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम जो लास्ट तारीख इसकी 15 सितंबर 2019 है, और सिर्फ इसके लिए हिमाचल के जो कैंडिडेट है वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा स्किल इंडिया के तहत, और तो apprentice.gov.in वेबसाइट है, इस पर जाकर आपको NHPC के लिए अगर ट्रेनिंग के इन पदों के लिए अप्रेंटिस के अगर आपने ये ट्रेनिंग करनी है तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन को आप प्रिंट करिएगा, उसके बाद अपने जो डॉक्यूमेंट्स उनके साथ सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच करके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है वीडियो का, उसको आप चेक करिएगा किस प्रकार से आपको बताया हुआ कि क्या क्या आपको उसमें करना है। उसके बाद उस फॉर्म को आप जो आपको एड्रेस बताया हुआ है वीडियो में आप उसको चेक करिए, उसके बाद वहाँ पर आप भेज सकते हैं। और अगर आपको इसकी वेबसाइट चाहिए जैसे NHPC India.com आप करिएगा गूगल पर सर्च, उसके बाद आपको डायरेक्ट वेबसाइट मिल जाएगी, उस पर आपको विज्ञापन मिल जाएगा, उसको आप पढ़िएगा। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपको पहले ही दे चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है। NHPC ही में स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप वैकेंसी NHPC रिक्रूटमेंट 2019 के 10 पद आपके भरे जाएंगे। पद का नाम है स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप की वैकेंसी आपकी भरी जा रही है, एक स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप आपको उसमें दी जाएगी। 10th +2 पास, 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, और ये नोटिफिकेशन है फरीदाबाद के लिए। तो सेंट्रल और स्टेट की हम आपको बता रहे हैं, स्टेट और सेंट्रल में
तो जो भी नोटिफिकेशन हम आपको इसी में देंगे। तो ये स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप की वैकेंसी है फरीदाबाद के लिए, 10 पद हो गए और 10th प्लस टू पास है, आप 16 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी वो आपकी IIT मंडी ने जारी किया विज्ञापन, पदों की संख्या 40, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, गेस्ट फैकल्टी की पद और अन्य पद इसमें ये भरे जा रहे हैं। वेबसाइट, क्योंकि बहुत से लोगों को वेबसाइट का पता नहीं चलता, तो iitmandi.ac.in/administration/recruitment.php ये आपको इसमें बताया हुआ, ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको दिया है, ये वेबसाइट आपको ओपन करनी है। आप यहां तक भी सर्च कर सकते हैं iitmandi.ac.in, उसके बाद आपको डायरेक्ट पूरी जानकारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। 31 अगस्त 2019 इसकी लास्ट डेट है हिमाचल प्रदेश के लिए नोटिफिकेशन है। तो अगर आप एलिजिबल इन वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से पद IIT मंडी में भरे जा रहे हैं, बहुत जिनका सिलेक्शन आपका होने वाला है, 10th प्लस टू पास ग्रेजुएट आप हो, इन पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से पद आउटसोर्स पर इसमें भी रखे जाएंगे। नेक्स्ट जो वैकेंसी आपकी वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक जारी किया विज्ञापन, तो विज्ञापन एक जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, टेक्नीशियन ट्रेड्समैन भर्ती 2019, योग्यता डिप्लोमा ITI पास, वेबसाइट है csri.kasauli.in, ये वेबसाइट है, इस पर जाकर इन पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन ट्रेड्समैन के लिए आपको डिप्लोमा ITI आपने की हुई है, कि आपको बताया वो डिप्लोमा ITI, आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 पर मंथ आपको इसमें दिया जाएगा और आयु की बात करें तो 18 से 25 साल आपकी आयु मांगी हुई इसमें। तो पूरी जानकारी आपको ये वेबसाइट दी हुई है csri.kasauli.nic.in, इस पर जाकर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। एडवर्टाइजमेंट जो ऑफिशियल है उसको आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम जितनी भी 20 से 22 जो नोटिफिकेशन नहीं निकली उनके आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, 1 से 1.5 घंटा आपको बताते हुए लग जाएगा। तो शॉर्ट में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे, इसलिए हम शॉर्ट में आपको जानकारी दे रहे हैं। वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसको ओपन करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्टी नौनी सोलन के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है। पदों की संख्या 59 से अधिक ये पद आपके भरे जाएंगे। चपरासी एक क्लीनर है, टीचर है, प्रोफेसर, फैकल्टी के पद आपके भरे जाएंगे। बहुत सी वैकेंसी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाली गई है। आप चाहे तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। योग्यता इसके लिए चाहिए 10वीं पास से लेकर स्नातकोत्तर, और जो पोस्ट है जैसे चपरासी के लिए 10वीं पास चाहिए और क्लीनर के लिए भी 10वीं पास चाहिए, टीचर के लिए स्नातकोत्तर एनी पोस्ट ग्रेजुएट आपने नेट सेट किया तो उनको भी प्रमुखता इसमें दी जाएगी। तो फैकल्टी के बहुत से पद अलग अलग पद ये आपके भरे जा रहे हैं। अंतिम तिथि जो इसकी 31 अगस्त 2019 है और बहुत सी पोस्ट इसमें ऐसी है जिनके एडवर्टाइजमेंट पहले जारी किए गए और जिनकी अंतिम आवेदन की जो तिथि है वो आपकी 26 से 27 अगस्त भी है। और बहुत सी वैकेंसी इसमें डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी में 59 से भी ज़्यादा पोस्टें निकली हुई है और जिन इसी नोटिफिकेशन में बता रहे हैं हम आपको कि बहुत सी वैकेंसी ऐसी जिनकी लास्ट डेट 5 से 7 दिन के बाद है और बहुत सी नोटिफिकेशन ऐसे जिनकी लास्ट डेट 31 अगस्त है। और कुछ नई नए नोटिफिकेशन जारी किए डॉक्टर YSP परमार यूनिवर्सिटी सोलन द्वारा जिनकी लास्ट डेट सेप्टेम्बर में है। तो ये वेबसाइट है www.yspuniversity.ac.in/jobs, ये वेबसाइट है, सेम यही आपको ओपन करनी है और उसके बाद फिर आपको पूरे जो एडवर्टाइजमेंट की लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। जिन भी वैकेंसी की जानकारी आपको चाहिए उसको आप ओपन करेगा, पूरी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है तो IHBT पालमपुर ने जारी किया विज्ञापन, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, इसको हम कहते हैं IHBT को, पदों की संख्या 3 है, ये पद आपके भरे जाएंगे प्रोजेक्ट असिस्टेंट के। एम फार्मा MSc BTech BE MBA PGDM, ये क्वालिफिकेशन है इसके लिए। और बहुत सी वैकेंसी जो IHBT में अभी भरी जा रही, जिस प्रकार से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी में अलग अलग वैकेंसी भरी जा रही, उसी प्रकार से IHBT में भी बहुत से नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट अभी जारी की है। अंतिम तिथि 20 अगस्त है ये जो वैकेंसी है इनके लिए, और जो अलग से वैकेंसी दिन की जानकारी हम आपको इसी में बता रहे हैं, और भी विज्ञापन है जिनके लास्ट तारीख सितंबर तक भी है। तो आप IHBT की वेबसाइट पर जाएगा, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। IHBTC की वेबसाइट जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, IHBT.res ये वेबसाइट है, www.ihbt.res.in, इस पर आप ओपन, इसको वेबसाइट को आप ओपन करोगे और 20 अगस्त से पहले आप अगर एलिजिबल हैं वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, स्टोर कीपर मैकेनिक की वैकेंसी आपकी भरी जाएगी।
रिक्रूटमेंट 2019 की आपकी ये वैकेंसी अमेजोन डॉक रिक्रूटमेंट 2019 की वैकेंसी ये भरी जाएगी। पोस्ट नेम स्टोर कीपर मैकेनिक योग्यता क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए इसके लिए 10वीं पास आईटीआई आपने की हुई है, 12वीं पास आप हो, आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। एज की बात करें तो एज 18 से 38 वर्ष तक आपकी होनी चाहिए। अंतिम तिथि 5 सितंबर 2019। वेबसाइट जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है mhzagonduck.in, इस पर आप इसे आप सर्च करेगा और पूरी जो जानकारी आपको उस वेबसाइट में मिल जाएगी और इसी में बहुत सी वैकेंसी जो आपकी भरी जा रही है उनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये वैकेंसी है ऑल इंडिया में आपकी ये भरी जा रही है, 5 सितंबर लास्ट डेट है और जिस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर आ रही है आप इसको चेक कर सकते हैं। कंप्रेसर अटेंडेंट की 10th प्लस आईटीआई 21 पद भरे जाएंगे। कारपेंटर की 8वीं आईटीआई आपने की है 78 पद भरे जाएंगे। कंपोजिट बेल्डर की आपकी वैकेंसी भरी जाएगी। 8वीं पास आईटीआई आपने की 175 पद इसमें भरे जाएंगे इसी नोटिफिकेशन में। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की वैकेंसी आपकी भरी जाएंगी, 10th आईटीआई 98 पद ये आपके भरे जाएंगे। और यूटिलिटी हैंड सेमी स्केल की 10th पास 145 पद आपके इसमें भरे जाएंगे। इंजन ड्राइवर की वैकेंसी इसमें आपकी भरी जाएगी, 10वीं पास वैकेंसी एक ही आपकी भरी जाएगी। उसके बाद एसएफ की वैकेंसी आपकी भरी जाएंगी, 10th पास आईटीआई आपने की हुई है 375 ये पद आपके भरे जाएंगे। और इसके लिए अगर आपको वेबसाइट का लिंक चाहिए तो वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये वेबसाइट है इसको आप ओपन करेगा, सेम टू सेम ही वेबसाइट आपको ओपन करनी है। इसके बाद आप इन पदों के लिए 5 सितंबर से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 38 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए तो ये पद आपके भरे जाएंगे। तो नेक्स्ट जो वैकेंसी वो आपकी अप्रेंटिस वैकेंसी इन BESCOM बेस्कॉम रिक्रूटमेंट 2019 की ये वैकेंसी आपकी ये भरी जाएंगी। अप्रेंटिस वैकेंसी इन बेस्कॉम रिक्रूटमेंट 2019 की नेक्स्ट नोटिफिकेशन है हमारी। पदों की संख्या 400। बीटेक इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो आपने अप्रेंटिस की मेज में प्रशिक्षण आपको दिया जाने वाला है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट हम आपको बताएंगे, गूगल पर आप BESCOM रिक्रूटमेंट 2019 सर्च करेंगे आपको पहले नंबर पर ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएंगे, क्योंकि हमने आपको पूरी जानकारी और लिंक इसका दे दिया हुआ है। फिर भी अगर आपको वेबसाइट चाहिए होगी आप कमेंट करें और आप कहां से वो भी अपने कमेंट में बताना है। अंतिम तिथि 31 अगस्त 2019, तब तक आप अगर एलिजिबल है आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जिसकी लास्ट डेट आज 18 अगस्त 2019 को NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दो जॉब्स 2019-65 इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर वैकेंसी फॉर एनी ग्रेजुएट पब्लिश ऑन 17 अगस्त 2019 को ये पद आपके भरे जाएंगे। पद का नाम इंस्पेक्टर योग्यता ग्रेजुएट है, पदों की संख्या 25 है। 18 अगस्त 2019 इसकी लास्ट डेट बताई हुई, दिल्ली जॉब लोकेशन है इसके। ये एक्सपीरियंस जो पर्सन है उनके लिए वैकेंसी है, ठीक है, 3 से 4 साल का आपके पास अनुभव होने चाहिए उनके लिए ये वैकेंसी होगी NIA में। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी वो है GPSC की गुजरात लोक सेवा आयोग की वैकेंसी मैकेनिकल इंजीनियर की असिस्टेंट को डायरेक्टर की आपकी वैकेंसी भरी जाएगी। डेजिग्नेशन ऑफिसर की वैकेंसी अलग से इसमें भरी जाएगी। योग्यता ग्रेजुएट आप हो, आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। पदों की संख्या 181 181 पद जो ये आपके भरे जाएंगे। अंतिम तिथि 31 अगस्त 2019। अगर आप अप्लाई इसके लिए करना चाहते तो gpsc.gov.in वेबसाइट है, वेबसाइट हम आपको बता रहे हैं gpsc.gov.in, ध्यान से सुनेगा gpsc.gov.in, इस पर आप लॉगिन करें, विजिट करें इस वेबसाइट को। इन पदों के लिए एडवर्टाइजमेंट जो जारी किया हुआ है उसको आप पढ़िएगा, उसके लिए आप अप्लाई फिर बाद में कर सकते हैं। 31 अगस्त 2019 इसकी लास्ट डेट है। ओडिशा लोक सेवा आयोग OPSC हम इसको कहते हैं के द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया है फोर्स सेफ्टी ऑफिसर की, 12 पद इसमें भरे जाने वाले। ग्रेजुएट आप हो, आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। अंतिम तिथि 13 सितंबर 2019 की। PSC जिसे लोक सेवा आयोग से नाम से भी हम जानते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये पद आपके भरे जा रहे हैं। और PSC की नोटिफिकेशन आप सभी एलिजिबल होते हैं, आप चाहे दिल्ली से आप हरियाणा में अप्लाई कर सकते हैं, हरियाणा से आप तमिलनाडु में अप्लाई कर सकते हैं, तो इसीलिए हम आपको ये लोक सेवा PSC की नोटिफिकेशन भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो 12 पद ये आपके भरे जाएंगे। अंतिम तिथि 13 सितंबर 2019 अगर आप एलिजिबल हैं। opsc.gov.in ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आप सर्च करें इसके और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करेगा, अप्लाई आप ऑनलाइन इसके लिए करोगे।
OPSC की ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है आप कमेंट करें, हम आपको जानकारी दे दें। अप्लाई करना है तो आप गूगल पर OPSC रिक्रूटमेंट करेगा सर्च, पहले नंबर आपको ओडिशा लोक सेवा आयोग की वेबसाइट मिल जाएगी। उसके बाद OSSC में ये वैकेंसी निकली, OSSC मेन ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ही स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है। एनी ग्रेजुएट आप हो आप अप्लाई कर सकते हैं। 32 जो वैकेंसी है आपकी भरी जाएंगी, जिस प्रकार से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा जो भी जैसे PhD की वैकेंसी भी निकली हुई जिनकी जानकारी हम आपको दे चुके, उसी प्रकार से ये ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग ओडिशा SSC के द्वारा ये स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की वैकेंसी जो ये आपकी भरी जा रही है। 32 पद है और लास्ट डेट है आपकी 13 सितंबर 2019, पदों की संख्या 32 है। योग्यता ग्रेजुएट स्नातक आप हो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी वो आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है टैक्स असिस्टेंट की, ये पद आपके भरे जाएंगे। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आपकी निकली हुई है, पद आपके भरे जाएंगे। योग्यता 10वीं 12वीं पास है, आप इन पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 21 पद है, ये आपके भरे जाएंगे। इसके लिए आपको ऑफिशियल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप इन पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि 13 सितंबर 2019, तो ये पद आपके भरे जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीकली अपडेट्स में हम आपको सेंट्रल स्टेट के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबा दीजिए, घंटी एक आएगी सब्सक्राइब करने के बाद, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जैसे ही कोई नई नोटिफिकेशन निकलेगी उसकी जानकारी सबसे पहले आपको पहुँच जाएगी। तो भारत के आप चाहे जिस भी कोने से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पूरी जानकारी हम आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट इसी प्रकार से देते रहेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन होती है, आप चाहे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी को लगता है कि कहीं भी कुछ आपको लगता है कि गलत इन्फॉर्मेशन दी है, आप कमेंट में आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट का लिंक है वो आपको देंगे, ताकि आपको पता चल सके कि जो भी जानकारी हम आपको देते हैं वो बिल्कुल सही होती है, जैसा कि आपको पता है। तो ये वैकेंसी आपकी भरी जाने वाली, तो हजारों के हिसाब से वैकेंसी आपकी 30 से 35 हज़ार जो ऑल इंडिया में वैकेंसी निकली है। इसके साथ बहुत सी वैकेंसी है, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में वैकेंसी निकली हुई है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हज़ारों के हिसाब से वैकेंसी अभी भरी जा रही है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में PGT के बहुत से पद इसमें भरे जा रहे हैं, पटवारी के। अगर आपने उन पदों के लिए अप्लाई नहीं किया कर दीजिएगा। इसके बाद उत्तराखंड में बहुत सी वैकेंसी आपकी भरी जा रही है, अगर आप में से कोई एलिजिबल है उन वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा, उसमें हम आपको हर स्टेट के 2 से 3 जो नई नोटिफिकेशन निकलेगी उनकी जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतने, नमस्कार, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।